सब्सक्राइब करें सोहैपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहैपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेलगाड़ी के डब्बे आपस में कैसे जुड़े रहते। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखें और एंड तक देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, रेलगाड़ी के डिब्बों को ना दो तरीकों से आपस में जोड़ा जाता है, जैसे एक तो मैकेनिकली और दूसरा न्यूमेटिकली। दोस्तों, मैकेनिकली का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक आगे लगा हुआ लोकोमोटिव पहले डिब्बे को खींचे तो बाकी के डिब्बे भी साथ में खींचे चले आए। और न्यूमेटिकली का मतलब ये होता है जैसे कि जब इंजन से ब्रेक लगाया जाए तो पूरी ट्रेन में ब्रेक लगे। दोस्तों, मैकेनिकल जोड़ जिसे कपलिंग कहते हैं, यह ट्रेन के चलते समय सभी डिब्बों को आपस में और लोकोमोटिव के साथ जोड़े रखने में मदद करता है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार मजबूत और लचीला बनाया जाना आवश्यक होता है। क्योंकि लोकोमोटिव द्वारा लगाया गया ड्राफ्ट यानी खिंचाव और बप यानी ब्रेकिंग के समय दबाव, इसका फोर्स डिब्बे के वजन के अनुपात में सीधा इन्हीं कपलिंगों द्वारा ही वहन किया जाता है। दोस्तों, मैकेनिकली जोड़ने के दो तरीके हैं, एक CBC और दूसरा TSC कपलिंग। CBC का मतलब सेंट्रल बफर कपलिंग होता है, जिसके अंतर्गत इंजन से पहला डिब्बा और फिर पीछे के सभी डिब्बे आपस में इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जिसमें डिब्बों के दोनों तरफ ठीक बीच में एक नकल टाइप की हैंडल से खोले जाने वाली और धक्के से स्वयं बंद होने वाली कपलिंग लगाई जाती है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल बफर कपलिंग की ये इमेज है। दोस्तों, ये बहुत मजबूत किस्म की कपलिंग होती है, जिसका उपयोग ज़्यादातर माल डिब्बों के लिए किया जाता है, लेकिन अब नए किस्मों के पैसेंजर्स डिब्बे में भी इस तरह की कपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि इसकी भार वहन क्षमता अधिक होती है और दुर्घटना इत्यादि के समय डिब्बे एक दूसरे से अलग होकर आपस में भिड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, जिससे दुर्घटना में जान माल की हानि कम होती है। दोस्तों, इस इमेज में देखिए, नीचे दोनों तरफ से दो रबर के पाइप भी आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, एक हरे रंग की कॉक के साथ और दूसरा सफ़ेद रंग की कॉक के साथ। दोस्तों, ये पाइप लोकोमोटिव द्वारा पूरी ट्रेन की लंबाई में एयर प्रेशर बनाते हैं, जिसमें से एक पाइप का प्रेशर तो पूरी तरह से ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे पाइप का एयर प्रेशर आंशिक रूप से ब्रेक सिस्टम के लिए और साथ ही कुछ यात्री गाड़ियों के कोच में एयर सस्पेंशन और CDTS प्रकार के शौचालयों के डिस्चार्ज इत्यादि अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार डिब्बों को इंजन से और आपस में न्यूमेटिकली भी कपल किया जाता है, और मैकेनिकल कपलिंग किसी भी प्रकार की हो यह न्यूमेटिकली ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब दोस्तों, दूसरी प्रकार की मैकेनिकल कपलिंग की बात करते हैं, जिसे TSC या ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसका प्रयोग ना मेनली पैसेंजर्स कोचों के जोड़ने के लिए किया गया था। इसमें डिब्बे के सिरे पर जो बीच में हुक्नुमा चीज़ दिख रही है, इसे आगे वाली अंतिम छोर के डिब्बों पर इंजन से जोड़ने के लिए इंजन की स्क्रू कपलिंग इसमें डाली जाती है, और बाकी सारे डिब्बे आपस में एक दूसरे से नीचे लटकी हुई स्क्रू कपलिंग से जोड़े जाते हैं, जो दो चेन प्रकार की कपलिंग सामने वाले डिब्बे के हुक में डालकर खींच के स्क्रू को घुमाकर इसे कस देते हैं, जिससे झटके नहीं लगे और कपलिंग टूटे नहीं, इसके लिए इसे कस दिया जाता है। दोस्तों, ज़रा गौर से देखेंगे तो स्क्रू कपलिंग में दोनों तरफ दो बफर लगे हुए दिख रहे हैं, और स्क्रू कपलिंग डिब्बों को सिर्फ जोड़ कर रखती है, ज़्यादातर स्पीड पर आगे पीछे आने वाले झटकों को इन्हीं झटकों द्वारा सहन किया जाता है। दोस्तों, अब जरा फिर से एक बार ऊपर वाली सेंट्रल बफर कपलिंग की इमेज देखिए, वहाँ कोच की तरफ कपलिंग के दोनों ओर कोई बफर नहीं है, वही वहाँ बफर का काम भी कपलिंग ही करती है, और जैसा कि उनका नाम भी है सेंट्रल बफर कपलिंग, यानी कि बफर मजबूत स्प्रिंग बीच में कपलिंग के पीछे की तरफ ही लगाया जाता है, और वहाँ अलग से बफर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, CBC की तरह स्क्रू कपलिंग के साथ भी सभी डिब्बे दो एयर प्रेशर पाइपों के साथ न्यूमेटिकली भी जुड़े रहते हैं, और आजकल नए प्रकार के कोचों में एंड वन एक
एंड ऑन और हेड ऑन जनरेशन का प्रावधान भी किया गया है। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेटर यान या लोकोमोटिव से सभी डिब्बों तक पहुंचाने के लिए इन्हें इलेक्ट्रिकली भी जोड़ा जाता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल जम्पर केबल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये सब प्रकार की कपलिंग ऐसे रेलवे कोचों और माल डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें बाद में अमूमन आगे से और कभी कभी पीछे से इंजन लगाकर खींचा या धकेला जाता है। इसलिए इंजन में भी दोनों तरफ ऐसी कपलिंग लगाई जाती है, जो कि दोनों प्रकार यानी CVC और TSC वाले डिब्बों के साथ जुड़ सकती है। दोस्तों, ये ऑटो कपलिंग दोनों कपलिंगों का मिला जुला स्वरूप है, लेकिन एक डब्बे में लगी हुई कपलिंग से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, जो आप इस इमेज में देख रहे होंगे लोकोमोटिव की कपलिंग। दोस्तों, इन दोनों प्रकार की कपलिंगों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें जरूरत पड़ने पर डिब्बों को अलग करने के लिए चंद ही मिनटों में सिर्फ हाथों द्वारा ही आसानी से खोला और वापस बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि एक तो लोकोमोटिव जोड़ने और अलग करने के लिए हमेशा ज़रूरत होती है, साथ ही यार्ड वगैरह में डिब्बों को अलग करने के लिए या शटिंग के दौरान इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इन दो तरह की कपलिंगों के अतिरिक्त एक और प्रकार की कपलिंग भारतीय रेलवे में प्रयुक्त की जाती है, जिसे शेको कपलिंग कहते हैं, जिसका परिचालन उतना आसान तो नहीं है कि सिर्फ हाथों से खोले और बंद किया जा सके, लेकिन दोस्तों इस प्रकार की कपलिंग सब अर्बन ट्रेन्स के डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि एक तो वहाँ हमेशा लोकोमोटिव जोड़ने और अलग करने की झंझट नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत वे बहुत लंबे समय तक 9, 12 या 15 डिब्बों की एक यूनिट के तौर पर चलाई जाती है, जिसके लिए सभी मोटर कोचों को सिंक्रोनाइज करके आपस में जोड़ा जाता है, तब उन्हें बार बार अलग करने की झंझट से बचाया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये रही सारी जानकारी रेलगाड़ी के डिब्बे आपस में कैसे जुड़े रहते हैं इसकी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत